इतना ज्यादा कितना आदमी आ गया पश्चिम बंगाल से। हाय गाइस, एवरीवन वेलकम टू विजय ब्लॉग्स। दोस्तों आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और शाम को 5 बजे क्यों आज मैं जा रहा हूँ केरला। आज का तारीख है 27 जुलाई 2022 और फिलहाल मैं अभी मेरा बैग पैक कर रहा हूँ। पैक करने के बाद जाऊँगा। चल दोस्तों चलते हो बैग पैक करने के लिए। दोस्तों मैं फिलहाल अभी मेरा बैग पैक कर रहा हूँ। ये मेरा NGA और ये थोड़ा लुंगी ले लिया। टेंट में जब सपोर्ट करेगा उस टाइम ये लुंगी पहन के बैठेगा। दो टी शर्ट ले रहा हूँ और बाकी के सामान उधर भी खरीद लेगा। ये मेरा पैंट है। बैग पूरा फुल हो गया। अभी चार्जर लेना पड़ेगा। एक ट्रेन में चार्ज कैसे दिएगा मोबाइल को। वो बल्क शूट करने के लिए स्टिक भी ले लिया। इसको निकल के लेते हैं तो टूट जाएगा। बैग पूरा कंप्लीट होता है। देखने को छोटा है लेकिन सामान बहुत है इसके अंदर। मेरे चाचा के साथ देखो, मेरे चाचा है अरे मेरे दोस्त है। इधर टेंशन में मिला, इधर देख सकते बहुत बहुत ज्यादा इंसान जा रहा है बाहर में काम करने के लिए। पश्चिम बंगाल में गांव का स्टेशन है। इससे पहले जो स्टेशन गया वो भी ज्यादा भीड़ हुआ था। दोस्तों ट्रेन आने वाला है, दोस्तों ट्रेन आने वाला है। हेलो गाइस, फिलहाल मैं स्टेशन में आ गया। मैं शालीमार ट्रेन में स्टेशन में आ गया और ये देख सकते हो आप कितना आदमी जा रहा है, कितना आदमी जा रहा है उधर। इधर भी देखो, इधर भी देखो कितना आदमी जा रहा है। स्टेशन पूरा जाम है। पीछे की नजर भी देख सकते हैं, आप देख भी सकते हैं अभी कितना आदमी है। कौन छोड़ दिया अभी देख सकते। इधर भी एक लफड़ा हो गया, वेटिंग टिकट कट के आते लफड़ा कट दिया। कितना आदमी, एक एक आदमी को, दो आदमी तीन आदमी को, एक एक सीट। मेरा ट्रेन अभी विशाखापट्टनम आ गया और विशाखापट्टनम में इतना ज्यादा भीड़ है जो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग फिल्म सुबह था, एक आदमी आके मुझे मार के बोले मेरा सीट दे दो, मेरा सीट। हमने बोला कि कैसे तुम्हारा सीट है, तुम टीटी और टिकट लेके आ जाओ, मैं सीट दे देता हूँ। बाद में बोला ये सीट नहीं, ऊपर का सीट ठीक है। तो दोस्तों अभी देखो पीछे कितना भीड़ लगा हुआ है। अभी यहाँ पर इतना ज्यादा भीड़ है, रिजर्वेशन लोग के माने दोस्तों देख लिया। अभी ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है। फिलहाल मेरा ट्रेन छोड़ दिया और केरला में जाने के लिए हमारा कलकत्ता से 1 दिन लगता है। अभी विशाखापट्टनम से ट्रेन छोड़ा जा रहा है, देखते हैं आगे तक देखेगा इसका नजारा कितना है, पहाड़ जंगल।
फिलहाल अभी 2:30 हो रहा है, अभी 2-3 9 घंटा हो गया और 3 घंटा बाद में हमको उतरना पड़ेगा। अभी अंडा कलम टाउन जंक्शन में इससे पहले बहुत ज़्यादा भीड़ था ट्रेन में, अभी बहुत इंसान उतर गया, फिलहाल हमारा भी बड़ी याद आ गया और 3 घंटा बाद में हम उतरेगा और अंडा कलम में ट्रेन भी छोड़ दिया। आप देख सकते हैं इतना टाइम में अच्छे से ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ था और क्या बोलूँ। अभी हम अभी आप सब हमारा सामने का नज़ारा और पीछे का नज़ारा भी देख सकते हैं, इतना पहले बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ था, इससे पहले बहुत ज़्यादा भीड़ था और मैं खुद का सीट से नहीं उतर नहीं सकता, इतना ज़्यादा भीड़ था। दोस्तों फिलहाल मैं स्टेशन में कोल्लम स्टेशन में आ गया है, देखो मेरा और भी एक दोस्त है उसका नाम है बाफी और पीछे का नजारा देख सकते, हमारा पीछे देख सकते कितना आदमी आ रहा है, कितना आदमी आ गया पश्चिम बंगाल से, बहुत ज्यादा आदमी आया यहाँ पे काम करने के लिए, अच्छी इधर भी ज्यादा फिशिंग का काम करता है। फिलहाल मैं मेरा दोस्त अभी जा रहा है और सामने मेरा चाचा है और इधर से जाएगा, जाने के बाद बांस पकड़ेगा, बांस पकड़ने के बाद बोर्ड में जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, कोल्लम बिल जो आ गया तो कोल्लम में अच्छा अच्छा ब्लॉग दिएगा, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना।